जयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लेकर बैठक हो रही है। संभाग के अधिकारियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। सचिवालय में अधिकारियों की बैठक चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार इस बैठक को ले रहे हैं। जयपुर संभागीय आयुक्त रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर जयपुर सीकर झुंझुनू, दौसा अलवर कलेक्टर SP भी यहाँ मौजूद दिखे। सचिवालय में अधिकारियों की बैठक चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ये बैठक ले रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, तैयारियों की समीक्षा को लेकर ये बैठक की जा रही है। संभाग के अधिकारियों के साथ आनंद कुमार ये बैठक ले रहे हैं। सचिवालय में लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया जा रहा है। जयपुर संभागीय आयुक्त रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर सहित जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर के कलेक्टर और SP गण भी यहां मौजूद हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। लोकेश, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सचिवालय में लगातार बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँ, लोकसभा चुनाव को लेकर सचिवालय समीक्षा बैठक के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार है, वो जयपुर संभाग के अधिकारियों के बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में जयपुर के संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, महानिरीक्षक, पुलिस रेंज के जो अधिकारी है वो है, आबकारी अधिकारी है, साथ साथ जो जयपुर संभाग के जितने जिले हैं उन जिलों के जो तमाम इलेक्शन अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद है। तो इलेक्शन को लेकर अब तक जितनी भी तैयारियां हुई है उनको लेकर इनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो जयपुर संभाग के कहना चाहेंगे कि राजस्थान के दूसरे चरण के जो मतदान प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल शुरू होगी, उसको लेकर उनकी इस बैठक में समीक्षा की जाए, किस प्रकार की आगे की तैयारी रखी जाए। जो पहले चरण में जो मतदान प्रक्रिया, जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर उनकी किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, वो समस्याएं दूसरे चरण में नहीं आए उनको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। जी जी लोकेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता देते हैं, सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और साथ ही जयपुर संभागीय आयुक्त रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर और झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर के कलेक्टर और SP गण भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी है और इसी के तहत अब उनकी समीक्षा की जा रही है इस बैठक के माध्यम से। चूंकि आपको पता है कि राजस्थान में पहले चरण के चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होने हैं और साथ ही नामांकन प्रक्रिया में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनका निवारण क्या है, इस पर भी इस बैठक में लगातार चर्चा हो रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।